नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी 20,000 के अंदर में एक अच्छा सा स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा टॉप 10 ऐसा स्मार्टफोन जो कि 20,000 के अंदर में जुलाई 2021 में सबसे ज्यादा अच्छा है। चलिए फटाफट वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों हमारे लिस्ट में नंबर 10 पे आता है वीवो का V20 SE स्मार्टफोन। बात करें इसी स्मार्टफोन के डिस्प्ले को लेकर, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है 6.44 इंच का डिस्प्ले। बात करें इसी स्मार्टफोन के रैम को लेकर, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है 8 GB का रैम, साथ साथ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है 128 GB का स्टोरेज जो की काफी ज्यादा सही है। बात करें इसी स्मार्टफोन के बैटरी को लेकर, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है 4100 mAh का बैटरी जो की ठीक ठाक ही आपको बैटरी बैकअप भी प्रोवाइड कर देगा। बात करते हैं इसी स्मार्टफोन फोन के कैमरा को लेकर, यहां पे आपको देखने को मिल जाता है 48 mAh प्लस 8 mAh प्लस 2 mAh का आपको कैमरा देखने को मिल जाता है। बात करें फ्रंट में तो आपको 32 mAh का कैमरा देखने को मिल जाता है जो कि काफी ज्यादा सही है। दोस्तों बात करते हैं अभी से स्मार्टफोन के प्रोसेसर को लेकर, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन का 665 प्रोसेसर जो कि काफी सही है। अगर आप भी गेम वगैरह खेलते हैं तो यहाँ पे आपको ठीक ठाक ही एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर देगा, नेक्स्ट लेवल प्रोवाइड करेगा। तो अगर आप भी फोटो खींचते हैं या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए लेना चाहते हैं तो ये स्मार्टफोन आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छा होने वाला है। दोस्तों हमारे लिस्ट में नंबर 9 पे आता है इन्फिनिक्स का नोट 10 प्रो स्मार्टफोन जो कि काफी अच्छा स्मार्टफोन है। पहले इन्फिनिक्स का स्मार्टफोन काफी ज्यादा अच्छा देखने को नहीं मिलता था, लेकिन आज के समय में इन्फिनिक्स का भी स्मार्टफोन काफी ज्यादा अच्छा हमें देखने को मिलने लगा है। सबसे पहले बात करते हैं इसी स्मार्टफोन के डिस्प्ले को लेकर, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है 6.95 इंच का डिस्प्ले जो कि काफी ज्यादा सही है। इसे स्मार्टफोन आपको देखने को मिल जाता है 8 GB का रैम। बात करें इसी स्मार्टफोन का स्टोरेज को लेकर, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है 256 GB का स्टोरेज। दोस्तों बात करें इसी स्मार्टफोन का बैटरी को लेकर, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है 5000 mAh का बैटरी जो की काफी ज्यादा सही है। बात करें इसी स्मार्टफोन के कैमरा को लेकर, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है 64 MP प्लस 8 MP प्लस 2 MP प्लस 2 MP का कैमरा देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको यहाँ पे क्वाड कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है। साथ साथ बात करें फ्रंट में, यहाँ पे आपको 16 MP का कैमरा देखने को मिल जाता है जो कि काफी ज्यादा सही है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इस फोन में आपको स्टोरेज थोड़ा ज्यादा मिलता है पिछले वाले फोन से, और साथ साथ यहाँ पे आपको बैटरी भी थोड़ा ज्यादा मिलता है। और तो बात करें इसी स्मार्टफोन के प्रोसेसर को लेकर, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है मीडियाटेक का G95 प्रोसेसर जो कि ठीक ठाक ही है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। दोस्तों हमारे लिस्ट में जो नंबर 8 पे स्मार्टफोन है, एक 5G स्मार्टफोन, अगर आप भी लॉन्ग टर्म के लिए फोन लेना चाहते थे ये आपके लिए काफी ज्यादा सही होगा मेरे हिसाब से। बात करती इस स्मार्टफोन का नाम जाए रियलमी की तरफ से आता है, रियलमी का Narrow G30 स्मार्टफोन जो कि एक 5G स्मार्टफोन है। बात करें इसी स्मार्टफोन के डिस्प्ले को लेकर, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है 6.50 इंच का डिस्प्ले। बात करें इसी स्मार्टफोन को रैम को लेकर, यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ 4 GB का रैम और 128 GB का स्टोरेज देखने को मिल जाता है। साथ साथ बात करें हम इसी स्मार्टफोन का बैटरी को लेकर, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है 5000 mAh का बैटरी जो काफी ज्यादा सही है। बात करें इसी स्मार्टफोन कैमरा को लेकर, यहाँ पे आपको मिल जाता है 48 MP प्लस 2 MP प्लस 2 MP का कैमरा देखने को मिल जाता है। दोस्तों साथ ही साथ यहाँ पे आपको 16 MP का फ्रंट कैमरा भी देखने को मिल जाता है। मैं आपको बता दूं इसमें आपको प्रोसेसर देखने को मिल जाता है मीडियाटेक का Dimensity 700 चिपसेट जो कि काफी पॉपुलर चिपसेट है और काफी पावरफुल चिपसेट है। मैं आपको बता दूं यहाँ पे आपको थोड़ा सा रैम कम मिलता है और साथ साथ यहाँ पे आपको कैमरा जो है रियर में उसका स्पेसिफिकेशन थोड़ा कम मिलता है, लेकिन मैं आपको बता दूं ओवरऑल ये स्मार्टफोन काफी ज्यादा अच्छा है। ये 5G फोन है, इसका ये सबसे पहला प्लस पॉइंट है मेरे हिसाब से देखा जाए तो। अगर आप भी लॉन्ग टर्म के लिए फोन लेना चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं 4-5 साल या फिर 2-3 साल भी अगर हम फोन को यूज करें खरीदे तो वैसे में आपके लिए ये स्मार्टफोन काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है मेरे हिसाब से। दोस्तों हमारे लिस्ट में नंबर 7 पे आता है मोटोरोला की तरफ से स्मार्टफोन आता है, मोटोरोला Moto G60 स्मार्टफोन जो कि काफी सही है। बात करें इसी स्मार्टफोन के डिस्प्ले को लेकर, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है 6.80 इंच का डिस्प्ले। साथ साथ यहाँ पे बात करें प्रोसेसर को लेकर, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन का 732G प्रोसेसर जो की काफी ज्यादा सही है। साथ साथ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है 6 GB का रैम और 128 GB का स्टोरेज जो की काफी ज्यादा ठीक ठाक है। साथ साथ यहाँ पे आपको बता दूं, यहाँ पे आपको 6000 mAh का बैटरी देखने को मिल जाता है। साथ साथ बात उसके रियर कैमरा को लेकर, ये काफी इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे आपको 108 MP का कैमरा देखने को मिल जाता है, साथ साथ 8 MP और साथ साथ आपको 2 MP का ट्रिपल कैमरा देखने को रियर में मिल जाता है। साथ साथ मैं आपको बता दूं फ्रंट में आपको 32 MP का कैमरा देखने को मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से यह स्मार्टफोन काफी ज्यादा सही है। साथ साथ आपको इस स्मार्टफोन स्टॉक एंड्रॉइड का भी फीचर देखने को मिल जाएगा जो कि काफी ज्यादा सही है। यहाँ पे आपको कोई भी ऐड वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। साथ साथ इस स्मार्टफोन का रियर कैमरा जो है काफी ज्यादा अच्छा है, इसी कारण से हमने इसे लिस्ट में नंबर 7 पे चुना हुआ है। मुझे उम्मीद है कि यह स्मार्टफोन आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। दोस्तों हमारे लिस्ट में नंबर 6 पर जो स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है वो IQ की तरफ से IQ G
थ्री स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है। बात करें इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले को लेकर, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है 6.58 इंच का डिस्प्ले, साथ ही यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है 6 GB का रैम और 128 GB का स्टोरेज, जो कि काफी ज्यादा सही है। साथ साथ यहाँ पे आपको 4400 mAh का बैटरी भी देखने को मिल जाता है। बात करें इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर को लेकर, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन का 768G प्रोसेसर, जो कि काफी ज्यादा सही है और यहाँ पे आपको गेमिंग एक्सपीरियंस भी काफी ज्यादा अच्छा देखने को मिलने वाला है। साथ साथ बात करें कैमरा को लेकर, यहाँ पे आपको रियर में मिल जाता 64 MP प्लस 8 MP प्लस 2 MP और फ्रंट में भी आपको 16 MP का कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि मेरे हिसाब से काफी ज्यादा सही है। दोस्तों हमारे लिस्ट में नंबर 5 पे आता है Realme का 8 Pro स्मार्टफोन। मैं आपको बता दूं, इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिल जाता है 6.40 इंच का डिस्प्ले, साथ साथ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है 6 GB का रैम और 128 GB का स्टोरेज। बात करें इस स्मार्टफोन के बैटरी को लेकर, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है 4500 mAh का बैटरी, जो कि काफी ज्यादा सही है। साथ साथ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है Qualcomm Snapdragon का 720G प्रोसेसर, जो कि ठीक ठाक है। बात करें इस स्मार्टफोन के कैमरा को लेकर, रियर में यहाँ पे आपको 108 MP प्लस 8 MP प्लस 2 MP प्लस 2 MP का क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है और फ्रंट में आपको 16 MP का सेटअप देखने को मिल जाता है, जो कि काफी ज्यादा सही है। और मैं आपको बता दूं, इसका जो कैमरा क्वालिटी है वो आपको काफी ज्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। दोस्तों हमारे लिस्ट में नंबर 4 पे आता है पोको की तरफ से X3 Pro स्मार्टफोन, जो कि काफी ज्यादा सही है। बात करें इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले को लेकर, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है 6.67 इंच का डिस्प्ले, साथ ही यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है 6 GB का रैम, 128 GB का स्टोरेज। बात करें इस स्मार्टफोन की बैटरी को लेकर, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है 5160 mAh का बैटरी। बात करें इस स्मार्टफोन के रियर कैमरा को लेकर, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है 48 MP प्लस 8 MP और फ्रंट में आपको 20 MP का कैमरा देखने को मिल जाता है। बात करें इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर को लेकर, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है Qualcomm का स्नैपड्रैगन का 860 प्रोसेसर, जो कि काफी पावरफुल चिपसेट है और यहाँ पे आपको गेमिंग एक्सपीरियंस जो है वो नेक्स्ट लेवल का मिलने वाला है। दोस्तों हमारे लिस्ट में नंबर 3 पर जो स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है वो है Redmi की तरफ से Redmi Note 10 Pro Max स्मार्टफोन, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है 6.67 इंच का डिस्प्ले, साथ साथ बात करें इस स्मार्टफोन को रैम को लेकर, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है 6 GB का रैम और 64 GB का स्टोरेज। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, स्टोरेज थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। बात करें इस स्मार्टफोन के बैटरी को लेकर, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 5020 mAh का बैटरी। बात करें इस स्मार्टफोन के कैमरा को लेकर, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 108 MP प्लस 8 MP प्लस 5 MP प्लस 2 MP और फ्रंट में आपको 16 MP का कैमरा देखने को मिल जाता है। बात करें इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर को लेकर, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है Qualcomm Snapdragon का 732G प्रोसेसर, जो कि काफी ज्यादा सही है। दोस्तों हमारे लिस्ट में नंबर 2 पे देखने को आपको मिल जाता है Realme का Narrow G30 Pro स्मार्टफोन। बात करें इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले को लेकर, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है 6.50 इंच का डिस्प्ले, साथ साथ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है MediaTek का Dimensity 800U प्रोसेसर, जो कि काफी ज्यादा सही है। साथ साथ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है 8 GB का रैम और 128 GB का स्टोरेज। बात करें इस स्मार्टफोन के बैटरी को लेकर, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है 5000 mAh का बैटरी। बात करें इस स्मार्टफोन के रियर कैमरा को लेकर, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है 48 MP प्लस 8 MP और प्लस 2 MP और फ्रंट में आपको 16 MP का कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि मेरे हिसाब से काफी ज्यादा सही। दोस्तों अब बात करते हैं हमारे लिस्ट के नंबर 1 स्मार्टफोन, जो कि Infinix की तरफ से मिल जाता है Infinix का 08i स्मार्टफोन, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। बात करें इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले को लेकर, यहां पे आपको देखने को मिल जाता है 6.85 इंच का डिस्प्ले, साथ साथ बात करें इस स्मार्टफोन के रैम को लेकर, यहां पे आपको देखने को मिल जाता है 8 GB का रैम। बात करें इस स्मार्टफोन का स्टोरेज को लेकर, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है 128 GB, साथ साथ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको 4500 mAh का बैटरी देखने को मिल जाता है। रियर में आपको 48 MP प्लस 8 MP प्लस 2 MP प्लस AI लेंस भी देखने को मिल जाता है। साथ साथ यहाँ पे आपको 16 प्लस 8 MP का आपको फ्रंट में भी 2 कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि पर्सनली मुझे काफी ज्यादा सही लगा। साथ साथ यहाँ बात करें इसके प्रोसेसर को लेकर, यहाँ पे आपको MediaTek का Helio G90T प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि काफी सही है। और मैं आपको बता दूं, इस स्मार्टफोन में आपको काफी अच्छा गेमिंग क्वालिटी भी देखने को मिल रहा है। दोस्तों हमारे लिस्ट में यही कुछ स्मार्टफोन था जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। मैं आपको बता दूं, जुलाई का ये बेस्ट है और आने वाले मंथ का जो है और भी हम ऐसे ही वीडियो लेके आएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ साथ अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल सिप्पू झा पे पहली बार अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल के लिए सब्सक्राइब ऑल ऑप्शन पर जरूर क्लिक कर दे, इसी प्रकार के लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। साथ साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। फिर मैं अगले वीडियो में, तब तक ओके बाय, लेट्स गो।